नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी क्लिनिक में बहुत ज़्यादा मदर टिंचर का उपयोग करता हूं और काफ़ी सारे पेशेंट्स को मदर टिंचर प्रिस्क्राइब करता हूं। दोस्तों, मदर टिंचर होम्योपैथी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं अपनी क्लिनिक में कौन कौन से मदर टिंचर यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट वन वीडियो पहले से ही मैं यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूं, तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाके देख सकते हैं इस वीडियो का पार्ट वन वीडियो। दोस्तों मदर टिंचर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस में और हम डे टू डे प्रैक्टिस में मदर टिंचर को यूज़ करते हैं, अपने पेशेंट्स को देते हैं। अगर आप पेशेंट हैं या आप दवाई खाते हैं होम्योपैथिक, तो आप जानते होंगे कि मदर टिंचर की कितनी इम्पॉर्टेंस होती है। दोस्तों, इसीलिए मैं जो अपने क्लिनिक में मदर टिंचर्स यूज़ करता हूं, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। कैसे यूज़ करना चाहिए, किस काम में आती है मदर टिंचर, ये बताऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो की सबसे पहली मेडिसिन है ड्रॉसेरा। दोस्तों, ड्रॉसेरा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है कफ़ के लिए। अगर आपको खांसी होती है, खासकर अगर आपको सूखी खांसी होती है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ड्रॉसेरा मदर टिंचर। दोस्तों, ड्रॉसेरा मदर टिंचर आपको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार पीना है। अगर आपको सूखी खांसी होती है और कुकुर खांसी होती है, वूपिंग कफ होती है दोस्तों। दूसरी मेडिसिन है यूफ्रेशिया ऑफिसिनेलिस मदर टिंचर। दोस्तों, ये मदर टिंचर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, आँखों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर एक्यूट कंजक्टिवाइटिस है, आँखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है या आँखों में खुजली होती है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मदर टिंचर दोस्तों ये है। और इस मदर टिंचर को आपको आधे कप पानी में 5 बूंद डाल के दिन में 3 बार पीना है और गुलाब जल में मिला के आँखों में इसको डाल भी सकते हैं। तो आप लगभग 10 ml गुलाब जल में 2-3 बूंद डाल के गुलाब जल आँखों में 2-3 बूंद डाल सकते हैं। तीसरा मदर टिंचर है जिनसेंग मदर टिंचर। दोस्तों, अगर आपको वीकनेस होती है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिनसेंग मदर टिंचर। अगर स्पर्म काउंट कम है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिनसेंग मदर टिंचर। अगर स्पर्म मोर्टिलिटी रेट कम है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिनसेंग मदर टिंचर। प्री मैच्योर एजुकेशन के लिए भी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करिए दोस्तों। एक मदर टिंचर है ब्लाटा ओरिएंटेलिस मदर टिंचर। आप सभी जानते हैं ये अस्थमा के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, तो अस्थमा के पेशेंट को मैं हमेशा ये मदर टिंचर देता हूँ। 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार बहुत ही इफ़ेक्टिव मदर टिंचर है अस्थमा के लिए, या आपको सांस फूलती है उसके लिए दोस्तों। एक मदर टिंचर है गुल्थेरिया मदर टिंचर, और मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ गुल्थेरिया प्रो मदर टिंचर। दोस्तों, ये मदर टिंचर ज़्यादातर मैं पेन के लिए देता हूँ, तो घुटनों में दर्द रहता है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको गठिया या बात की प्रॉब्लम है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार इस मदर टिंचर को पीना चाहिए, अगर आपके घुटनों में या आपके जोड़ों में दर्द हो तो दोस्तों। एक मदर टिंचर है ज़ेबोरेंडी मदर टिंचर। दोस्तों, ज़ेबोरेंडी मदर टिंचर आप सभी जानते हैं हेयर फॉल के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, एलोपेशिया के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, गंजापन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो जहां पर भी पैचेस हैं, जहां पर भी आपके बाल नहीं हैं, वहां पर आप इसे 2-3 बार मसाज करें इस मदर टिंचर से दोस्तों। एक मदर टिंचर है जस्टिशिया। दोस्तों, जस्टिशिया मदर टिंचर आप सभी जानते हैं खांसी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आपको खांसी होती है, चाहे वो सूखी खांसी हो, चाहे वो गीली खांसी हो, इस मदर टिंचर को आप आधे कप गुनगुने पानी में 20 बूंद डाल के दिन में 3 बार पियेंगे, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ब्रोंकाइटिस के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एक मदर टिंचर है नेपथीलियम मदर टिंचर। दोस्तों, नेपथीलियम मदर टिंचर शियाटिका के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। शियाटिका पेन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार। न्यूरेल्जिया के लिए भी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, तो अगर आपको न्यूरेल्जिया है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार दोस्तों। तो एक मदर टिंचर है ग्वायकम मदर टिंचर। हालांकि ये थोड़ा महंगा आपको मिलेगा, ग्वायकम मदर टिंचर मैं ज़्यादातर थ्रॉट पेन में देता हूँ। तो अगर आपको गले में दर्द है,
तो आधे कप पानी में 20 बूंद डाल के गरारा करिए। थोड़ा सा दर्द करेगा लेकिन गले का दर्द पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और ये साथ साथ रूमेटाइड अर्थराइटिस में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको आरे की प्रॉब्लम है, दर्द होता है, तो उसमें भी आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। एक मदर टिंचर है डलका मारा मदर टिंचर। दोस्तों डलका मारा मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है पेन के लिए। अगर आपका दर्द बरसात में बढ़ जाता है या ठंडियों में बढ़ जाता है, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, चाहे वो शरीर का दर्द हो, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करिए दोस्तों। एक मदर टिंचर है डैमियाना मदर टिंचर। दोस्तों ये भी प्री मेच्योर एजुकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इस मदर टिंचर को आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करिए स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। एक मदर टिंचर है ग्रैंडियेला मदर टिंचर। दोस्तों ग्रैंडियेला मदर टिंचर अस्थमा के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, तो मैं अस्थमा वाले पेशेंट्स को देता हूँ। और 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करिए। अगर आपको कफ होता है और कफ के साथ सांस फूलती है, तो ग्रैंडियेला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। उस कंडीशन में भी 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार से यूज़ करिए दोस्तों। एक मदर टिंचर है फ्यूकस मदर टिंचर। दोस्तों ये मदर टिंचर ज़्यादातर मैं ओबेस पर्सन को देता हूँ, जो मोटे होते हैं उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और फैट को कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आप मोटे हैं तो आप इसको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करिए। तो एक मदर टिंचर है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर। दोस्तों फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको फाइब्रोसिस है कहीं भी या फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस है, तो इस मदर टिंचर को आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करिए। फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस अप्रॉक्स आपका 1-2 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। दोस्तों एक मदर टिंचर है चिरायता मदर टिंचर। दोस्तों चिरायता मदर टिंचर फीवर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको बुखार होता है, खासकर वायरल फीवर है या मलेरिया का फीवर है, तो इस मदर टिंचर को आप 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करिए। और मैं एक फ़ीवर कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत पहले वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने चिरायता मदर टिंचर के बारे में आपको बताया था। एक मदर टिंचर है रूटा मदर टिंचर। दोस्तों रूटा जी मदर टिंचर पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर लिगामेंट इंजरी के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। चोट लग जाती है, दर्द होता है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दर्द में आपको इसे यूज़ करना चाहिए 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार। एक मदर टिंचर है रक्सटॉक्स मदर टिंचर। दोस्तों जैसे देख रहे हैं ये काफ़ी खाली हो गया, बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं रक्सटॉक्स मदर टिंचर, काफ़ी सारे पेशेंट्स को मैं देता हूँ पेन में। तो अगर आपको पेन होता है तो रक्सटॉक्स मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करिए दोस्तों। एक मेडिसिन है रॉयल फिया सरपेंटाइना। दोस्तों रॉयल फिया सरपेंटाइना आप सभी जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है बहुत ज़्यादा, तो रॉयल फिया सरपेंटाइना को यूज़ करना चाहिए। मदर टिंचर में 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करती है, नॉर्मल ले आती है दोस्तों। एक मेडिसिन है हाइड्रोकोटाइल। दोस्तों हाइड्रोकोटाइल मैं बहुत कम ही देता हूँ। सबसे पहले ये न्यूरेल्जिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको फेशियल न्यूरेल्जिया है तो हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार यूज़ करना चाहिए। दूसरे ये वॉट्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको मस्से होते हैं या कॉर्न्स की प्रॉब्लम है तो हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर लगा सकते हैं। और तीसरा ये स्किन के लिए इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आपको स्किन इन्फेक्शन है तो हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार पीना चाहिए दोस्तों। एक मेडिसिन है हाइड्रेंजिया। दोस्तों हाइड्रेंजिया भी मैं बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ, मोस्टली कभी कभी गाल ब्लाडर स्टोन के पेशेंट्स को देता हूँ या कभी कभी किडनी स्टोन के पेशेंट्स को देता हूँ। तो हाइड्रेंजिया स्टोन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार इसे यूज़ करना चाहिए दोस्तों। एक मेडिसिन है रेटाइना। दोस्तों रेटाइना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फिसर के लिए। अगर आपको फिसर की प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है एनस में, साथ ही बर्निंग होती है, चुभन होता है, तो इसे ज़रूर यूज़ करें 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार। दोस्तों रेटाइना पाइल्स के लिए भी इफेक्टिव मेडिसिन है, पाइल्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जलन होती है, साथ में ब्लीडिंग हो रही है, तो 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार इसे यूज़ करिए दोस्तों। एक मेडिसिन है
हाइड्रस्टिस। दोस्तों हाइड्रस्टिस मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। तो अगर आपको कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो हाइड्रस्टिस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों हाइड्रस्टिस IBS के लिए भी इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों हाइड्रस्टिस अगर आपको म्यूकस आता है उसके लिए भी इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों हाइड्रस्टिस अगर आपका WBC काउंट कम होता है उसके लिए भी इफेक्टिव मेडिसिन है। तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में हाइड्रस्टिस मदर टिंचर, और इसको 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार बहुत सारे कंप्लेंट्स में आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो की सबसे लास्ट मेडिसिन है हेमामिलेस। दोस्तों हेमामिलेस अगर आपको ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा है बॉडी से, चाहे आपको NS से निकल रहा हो पाइल्स में, चाहे नाक से निकल रहा हो नकसूर में, चाहे कहीं से भी ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता हो, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो, तो इसे यूज़ करना चाहिए। 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार इसे यूज़ करें। अगर ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा रुक नहीं रही तो वहाँ पर आप लगा भी सकते हैं, तो 2 से 3 बार इसे लगा भी सकते हैं। दोस्तों ये थी होम्योपैथिक मदर टिंचर इस वीडियो में। दोस्तों मेरे पास और भी बहुत सारी मदर टिंचर्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो बहुत सारी मदर टिंचर्स होती हैं होम्योपैथी में। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट भी आएगा तो ज़रूर उस पार्ट को भी आप देखिएगा, उसमें और कुछ मदर टिंचर्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी, तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।